बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम डियर स्टूडेंट्स हम अल्लाह के बबरकत नाम से आगाज़ कर चुके हैं अपने इस लेक्चर का आज आप लोगों के साथ ही मेरा पहला लेक्चर है मीन टू से ये बायोलॉजी पार्ट वन का चैप्टर नंबर वन है और आई नो यू पीपल आर ट्राइंग टू बी अ डॉक्टर बाय योर ओन चॉइस और आई नो वेरी वेल कि वो लोग जो मेडिकल जो जो में आते हैं दे आर वेरी मच कंसिस्टेंट इन देयर अप्रोचेस

बात नहीं बल्कि हर एक बात किसी लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर बताएं सो so हो और बायोलॉजी आप लोगों को जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आए आप कुछ भी खाएं आप कुछ भी पिए कुछ भी ऑब्जर्व करें तो आप के इलम से आपके गुफ्तार से आपकी स्पीच नजर आना चाहिए कि यू आर स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस राइट right. आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है शमशीर सना अवल, और आफिर। अगर मैं इस मुश्किल से शेर को एक सिंपल विश में कन्वर्ट ना चाहूँ तो मतलब होगा फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर आप मोटिवेशन शो करेंगे आप इखलास शो करेंगे अपनी लर्निंग में अपनी अंडरस्टैंडिंग में अपनी राइटिंग में अपने पेपर अटैम्प्ट करने के स्टाइल में तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकती सो बी मोटिवेटेड अगर आपके मार्क्स कोई थोड़े से कम भी आए हैं ग्रेड नाइन टेन में तो इट वॉज पास्ट फ्यूचर वेरी ब्राइट फ्यूचर इज अड ऑफ यू यू मस्ट बी वेरी मच मोटिवेटेड यू मस्ट बी कमिटेड देवर क्विट योर ड्रीम्स अपने ख्वाब को कभी मत छोड़ें इफ यू आर स्टकिंग टू योर ओन गोल्स इफ यू आर सेटिंग योर ओन गोल्स आप अपनी मंजिल का तरीके खुद करने वाले हैं तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस इंट्रोडक्टरी यू कैन से लेक्चर इंट्रोडक्टरी एडवाइस नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी एंड नीम ऑफ दैट वेरी चैप्टर इज वॉट इंट्रोडक्शन सो सिंगल मोमेंट लेट्स मूव टू द वाइट यस माई डियर फ्यूचर डॉक्टर्स मैं आप लोगों से मुखातिब हूं क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो यू नो वेरी वेल कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हमारी आखिरी मंजिल हमारी आखिरी ख्वाहिश हमारी आखिरी तमन्ना या आरजू क्या है कि हम एक डॉक्टर बन जाए तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं आप लोगों से एड्रेस करूँ मैं ये मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा डालता रहूँ ये लफ्ज़ कह के कि यस माई फ्यूचर डॉक्टर्स राइट माई डर डॉक्टर्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉट इंट्रोडक्शन अब मेरी हैबिट क्या रहेगी इस पूरे आप लोगों के साथ जो हमारा सफर है इस कैमरे की आंख के थ्रू वो ये कि मैं आप लोगों के लिए एक फ्लैश कार्ड तैयार करूँ जिसमें मैं आप लोगों के आप लोगों के स्टूडेंट सोल आप लोगों के क्या लिखूं लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको क्या क्या आना चाहिए और हमारी ये भी ख्वाहिश होगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आप लोगों से बहुत टू पॉइंट लेकिन कॉन्सेप्चुअल बातें करें वो वाली बातें जो जिंदगी में आप लोगों के लिए मुख्त मकाम पर मशा रहा बन के आपको गाइड कर रही हूँ और शायद आप कभी जब दुआ पढ़े नमाज पढ़े तो आपके हाथ हमारे लिए भी जरूर दुआ करने के लिए उठे राइट तो सबसे पहली बात स्टूडेंट ये है कि इस फ्लैश कार्ड को अगर आपके माइंड में इस सीक्वेंस में आपने रख दिया है तो आप इसे कॉन्सेप्ट मैप भी कह सकते हो यानी कि ये ये चीज़ें ये, ये चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं ये फ्लो आपके माइंड में ये सिर्फ ये वाला अगर एक छोटा सा पीस ऑफ वाइट बोर्ड भी आपके माइंड में होगा तो आप लोग बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इस चैप्टर में आप लोगों ने या इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या सीखना है सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग ये एक एफर्ट आप लोगों के लिए है इसे आप बिल्कुल गौर से तवज्जो से इसको देखेंगे तो ये वाले की पॉइंट्स ये हाईलाइट ये एक एक नंबरों की कहकशा हो सकती है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे सो माई स्टूडेंट्स वी वॉन्ट टू स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी वॉन्ट टू राइट वॉट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी अब ग्रेड नाइन में डेफिनेटली आप लोग ये वर्ड पढ़ के आए हैं कि बायोलॉजी का बायोलॉजी इज अ कंपाउंड वर्ड आपको पता है केमिस्ट्री में यह बात करते हैं कंपाउंड जब दो एलिमेंट आपस में मिले तो कंपाउंड वर्ड से बताते जब दो लफ्स आपस में मिले तो उनमें से एक का नाम है स्टूडेंट बायोस और दूसरे का नाम है लॉगोस, राइट right. अब बायोस का मतलब होता है यू नो वेरी वेल लाइफ और अबाउट लाइफ एंड लॉगोस का मतलब क्या होता है टू स्टडी यानी कि ये मेरे पास बायोलॉजी की वो सॉरी uh, ये साइंस की वो वाली शाख है कि जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं लाइफ में अज़रा फन मजाक के तौर तो पर यह बात करता हूँ कि हम वो लोग हैं जो ज़िंदगी से प्यार करने वाले हैं हम वो लोग नहीं हैं जो एटम बम बनाएं लोगों के ऊपर गिराएं या केमिकल बॉम्ब बनाएं और लोगों के ऊपर गिराएं और उससे जिंदगी खत्म हो जाए हम तो हम तो उस पर्टिकुलर सांप को भी इकोसिस्टम में से ख़त्म नहीं करना चाहते जो हमें डस के हमें मार सकता है हम तो हमें ये बात पता है कि अगर हम उस स्नेक को भी पॉजिटिवली यूज करें तो हम उससे भी कई इंसानों की जान बचा सकते हैं राइट माई डियर स्टूडेंट्स तो हम वो लोग हैं जो जिंदगी से प्यार करते हैं वी स्टडी वॉट द लाइफ वी स्टडी वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ वी वॉन्ट टू पे ट्रीब्यूट हम तो सल्यूट करना चाहते हैं सलाम करना चाहते हैं हर उस टाइनी से टाइनी क्रिएचर को जो इस इकोसिस्टम में अपना किरदार अदा कर रहा है मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती ये कारखाना तूने बनाया तू क्या कबरा मनायाबुल इज़्ज़त की एक छोटी से छोटी चीज को देखे जिसे हम वायरस कह रहे हैं बैक्टीरिया कह रहे हैं उस पटलो चीज का भी मेरे इको सिस्टम में एक रोल है इट इज नॉट यूजलेस एवरी टाइनी क्रिएचर एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लॉट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम राइट तो हम वो लोग हैं जो किससे प्यार करते हैं स्टूडेंट्स बायोलॉजी से मीन लाइफ से अब अगले पैराग्राफ में जैसे मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया कि हम कि हम हम कोशिश करेंगे बुक के साथ स्टक तो अगले पैराग्राफ में आप लोगों से कहा गया कि अगर हम लाइफ को स्टडी करने वाले लोग हैं तो क्या हम लाइफ के बारे में हर सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आंसर इज नो फॉर एग्जाम्पल हम बहुत से मजहबी बातों का या थियोलॉजिस्ट का जवाब नहीं दे सकते मिसाल के तौर पर जी जिंदगी उतारे की लॉजिक क्या है इज 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 रीजन और लाइफ इट अ लॉजिकल क्वेश्चन फॉर अ बायोलॉजिस्ट राइट हम इसका जवाब आगे नहीं दे सकते इसलिए मैंने उसको यहां पे कैसे लिखा है डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है आई आर क्यूज यानी कि ये बी बायोलॉजिस्ट ये मेरे लिए एक आई आर क्यू है मीनस ए रेलिवेंट क्वेश्चन है राइट इस रेलिवेंट क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत से सवाल किए जा सकते हैं मिसाल के तौर पे जिंदगी कैसे वजूद में आई जिंदगी जमीन पे वजूद में आई या जमीन के अलावा कहीं और वजूद में आई चलें मान लेते हैं जमीन जिंदगी जमीन पे वजूद में नहीं आई तो फिर जहां ये वजूद में आई थी वहां कैसे वजूद में आई थी तो ये वो ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग बींग बाजिस्ट एड्रेस नहीं करना चाहते शायद ये शायद हमारे ये फिलासफर और थोलॉजिस्ट और हमारे जो रिलीजन से कंसर्निंग लोग हैं उनके क्वेश्चन लेकिन रखिएगा स्टूडेंट्स मैं आपसे आप ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो बात जो कुरान में लिखी है आपकी अक्ल उस काबिल है कि आप उसे इवेल्युएट कर सके राइट डियर स्टूडेंट्स सो हम इन इलेवेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं जा रहे हम साइंस के लोग शायद आपने ग्रेड नाइन्थ uh, में पढ़ा था टेन में पढ़ा था या उससे प्रीवियस क्लासेस में कि हम हवा से हमसा पे बिलीव रखते हैं जो पांच हमारी सेंसेस हैं राइट right? हम उन उनपे बिलीव रखते हैं बिकॉज कि हम किसी चीज़ों को छू नहीं सकते तो हम उससे उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं राइट सो वी ऑलवेज बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा मेरे से ये पूछे कि रू क्या है तो आई कैन नॉट कैरी आउट एक्सपेरिमेंट विद द स्पेरिट और रू तो आई मस्ट

वट आर वट इज सॉरी वट इज लाइफ हम तो लाइफ के बारे में बात करें तो आंसर ये हमारे लाइफ की तारीफ अगेन मुमकिन नहीं वो आपको मेरी इस बात से कोई कवाई तो याद आ ही गई होगी तो हम बात यह कर रहे हैं कि लाइफ की तारीफ मुमकिन नहीं हाँ ये जरूर है हम इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हाँ ये जरूर है कि मेरे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं, खसूसियात हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर वो किसी चीज में पाई जाए तो हम उसके बारे में ये कहते हैं कि वो जिंदा है और अगर उनमें से खूबियाँ मिस हों तो फिर हम उसे बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज सपोज टू बी नॉन लिविंग यानी कि हम लाइफ की नहीं बल्कि लिविंग थिंग्स को डिफाइन करें तो मैंने सबसे पहली बात जो आपकी बुक में पढ़ी जो आप भी पढ़ रहे हैं यकीन वो ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास सबसे पहला फीचर क्या है वी वॉन्ट टू राइट इट एज करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ तो मुझे क्या नजर आया सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म ये वाली चीजें जिन्हें हम जिंदा कहना चाह रहे हैं उन वो चाहे बहुत सिंपल या वो मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो मेरे पास यूनिट्स क्या हैं बहुत सिंपल या वो मेरे पास क्या हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चाहे वो मेरे पास यूनिसेलुलर हैं मतलब ये कि वो एक सेल पे मुश्तम है या वो सेलुलर हैं या वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स पे कॉन्सिस्ट कर रही हैं। लेकिन इन सब में एक खूबी जरूर है कि दी है क्या मतलब हुआ? उस पर्टिकुलर सेल ने या ऑर्गेनिज्म ने अपनी नंबर ऑफ सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है जब आप दुनिया में आए थे तो शायद आप इतने से होंगे और अब आप लोगों के कद इस एज में एट द स्टेज ऑफ एफ़एससी शायद अपने पेरेंट्स के बराबर हो गए होंगे या होने वाले होंगे आप लोगों के कद में जो इजाफा था इट इज बेसिकली ग्रोथ आप ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं एक बैलून में हवा भर दूं, तो क्या उसके साथ में इजाफा नहीं हुआ तो क्या मैं उसे ग्रोथ कह सकता हूं तो आंसर इज नो बिकॉज कि हमारे वाले केस में ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे अपने अपने मैथ को कम कर ले जब चाहे ज़्यादा कर ले हमारी जो ग्रोथ है जो हमारा इंक्रीज इन साइज इट इज परसिस्टेंट इट इज़ नॉट समथिंग लाइक बेलून के हवा में यू निकल गया राइट स्टूडेंट्स फिर दूसरी बात यह है कि हमें ये एबिलिटी है लिविंग थिंग्स में कि अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ अगर उनके अंदर कभी कोई इंजरी हो जाती है तो वो उसे रिपेयर भी कर सकते हैं ग्रेड नाइन टेंथ की बुक में आप लोगों ने बिल्कुल दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं जिसमें से एक का नाम आपने पढ़ा था एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस क्या है एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है आपके हर सेल को पता है कि उसे कब डिवाइड करना है उसकी एवरेज लाइफ कितनी है कब तक वो अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा और कब उस पर्टिकुलर सेल की फिजिकल या नेचुरल डेथ हो जाएगी फिर आपने एक एसोसिएटेड टर्म भी पढ़ी थी उसका नाम था व्हाट नेक्रोसिस अब ये एक सुसाइडल डेथ है तो जितने भी ये सेल्स हैं इनमें ये एक प्रोग्राम दिए हुए तला ने उनको प्रोग्रामिंग की हुई है उस सेल की कि तुमने कब डिवाइड करना है कब अपने हार्मोनल कब अब तुमने अपने एंजाइम के रेफरेंस से पीक पर जाना है और कब तुम्हारे एंजाइम की डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी और कब तुम तुम्हारी डेथ हो जाएगी ये देखें तो कम से कम इसकी जो रिलेशन uh, है वो हमारी लाइफ की तरह सही है राइट right? कब हम छोटे बच्चे होते हैं फिर हम थोड़े से लड़के बन जाते हैं फिर हम लोग नौजवान हो जाते हैं फिर हम जवान हो जाते हैं फिर हम उधेड़ों में मचा जाते हैं फिर हम बूढ़े हो जाते हैं फिर हमारी डेथ हो जाती है तो ऐसा ही कोई कैस, कैस्केड ऑफ इवेंट्स है हमारे सेल के साथ भी प्रेजेंट है फिर दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि ये ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है कि दे कैन रेस्पायर यानी कि ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और सीओ टू दे रहे हैं ऑक्सीजन का लेना और सीओ को निकालना ये बेसिकली क्या है रेस्पायरेशन है चाहे एक सेल कर रहा हो या कोई बहुत ज्यादा नहीं है सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग कैरिंग आउट सम एक्टिविटी ओवर इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन राइट और फिर उसके बाद इन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो एक वर्ड जनरेट करते हैं हम लोगों से हम बोलते हैं व्हाट मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मींस सम ऑफ ओवरऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और इनसाइड द होल बॉडी फिर यू नो वेरी वेल कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म मी टू से वी आर गोइंग टू ट्राई टू कॉम्बाइन सिंपल थिंग्स एंड वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट A Huge complex, right? Now, what kya we denge students? Anabolism. The other, way is, other part of the metabolism is called as catabolism, and catabolism stands for karate kata torna, right? In this case, we are going to carry out some destructive metabolism, and destructive metabolism is known as catabolism, and sum of overall means sum of anabolism plus catabolism is called as metabolism i may write it for you that anabolism anabolism plus catabolism it is called as what metabolism right so anabolism is sum of positive reactions means construction and catabolism means sum of negative reactions or destructive reactions. It is called as what metabolism. Then these particular cell, group of cell or the whole organism, it has the ability to keep its internal environment nearly constant. I you you have football for example, या आपने लन टेनस के लिए है तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट रेड हीट वेरी क्विकली तो आप क्या करेंगे आप जाके किसी ठंडे रूम में बैठ जाएंगे ठंडे रूम में बैठने के बाद आपकी बॉडी में से हीट लूज होना शुरू हो जाएगी और आपका बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाएगा तो क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल ही रहेगा तो आप यकीन महसूस करेंगे कि ऐसा नहीं है आपकी बॉडी थोड़े अरसे के बाद अपनी नॉर्मल टेम्परेचर को दोबारा से गेन कर लेगी बाय प्रोड्यूसिंग इवन मोर हीट पहले हीट लूज करेंगे फिर हम हीट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे लेकिन हम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ हीट अपनी बॉडी में हमेशा 37 के राउंड अबाउट करेंगे मेंटेन करेंगे एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंटल कंडीशंस नियरली कांस्टेंट तो हम इसे क्या बोलेंगे right? आपको प्यास लगी आप बहुत सारा पानी पी लेंगे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर क्यूमुलेट हो गया है तो उसको जिन के थ्रू पास कर दे राइट सो दिस गेन एंड लॉस इज ड्यू टू फैक्ट That your body is trying to maintain water concentration in your body nearly constant or it is trying to carry out what? Homeostasis. And then ability of the living organism is to produce offsprings of their own kind. This phenomena is called as what? Reproduction. Re means the say and produce pedakarna. Yani ke. आप लोगों के फोर फादर्स ने आपके फोर फादर्स को प्रोड्यूस किया ऐसे ही आप लोग फोर फादर्स बन जाए या अपने जैसे प्रोड्यूस कर दें दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन तो दुनिया में कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है अपने जैसे ऑर्गनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास है राइट एंड देन एरेटेबिलिटी मिसाल के तौर पर आप ने देखा कि एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक ईगल बैठा हुआ है या एक दरख्त है उसके ऊपर एक स्पैरो बैठी हुई है फॉर स्पैरोग्जाम्पल और आप भाग किस तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि दरख्त या पहाड़ उड़ जाता है और जो स्पैरो और ईगल है वो वहीं बैठे रहते हैं एम आई राइट या मैं गलत कह रहा हूँ यकीन मैं गलत कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब मैं भाग के उसके पास गया तो जो बर्ड्स है वो वहां से उड़ गए और जो ट्री और माउंटेन वो वहीं पे रह गया रीजन क्या थी कि ये दो चीजें मेरे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ उन्होंने इसको महसूस ही नहीं किया तो वो वहीं पर रह गए लेकिन जो भी रिपोर्टेंट क्या था बर्ड था फॉर एग्जाम्पल वो वहां से उड़ गया बिकॉज वॉज सेंसिटिव टू माई प्रेजेंस राइट दिस प्रोमिनेंस बट इरिटेबिलिटी हम इसे उर्दू में हसासीयत पढ़ के आए राइट right. तो ये वो कुछ फीचर है कि अगर एक ही के होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है अगर इनमें ये वाले फीचर्स नहीं होंगे या इनमें से मोस्ट ऑफ देम दबसेंट होंगे मिसाल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम मूवमेंट मूव कर सकना एटलीस्ट मूव कर सकना ये लोगो मोट कर सकना ये भी लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है आप ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है हमारी अपनी विल की वजह से हो रही है आपके जो व्हीकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं लेकिन दे कैन नॉट डू इट एट देयर ओन जब तक हम उनको स्टार्ट नहीं करेंगे जब हमने गेयर नहीं डालेंगे वो मूव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मूव करने के लिए ऐसी किसी है सी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है आई कैन मूव एट माई ओन विल राइट तो ये वो बातें हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होंगी तो हम उसे जिंदा कंसीडर करेंगे और अगर ये बातें ना हुई तो हम कंसिडर करेंगे कि वह नॉन लिविंग है उसके अंदर जिंदगी मौजूद नहीं है अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट तक मूव करेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स वॉट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आप लोगों की बुक में हम मूव कर गए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे आप लोगों की बुक में इसको सिंपल एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया है लेकिन चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स आई बिलीव इन कांसेप्ट आई बिलीव इन कांसेप्ट आई एम ट्राइंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर लर्निंग मैं तो ये चाह रहा हूं कि आज से ही आप बातों को बड़े गौर गौर से सीखना शुरू करें आपकी मोटिवेशन पूरे दो सालों में कभी कम ना हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की बुक की तरह सिर्फ इन ब्रांचेस का नाम ना लिखें बल्कि उनको हम थोड़ा बहुत साथ साथ एक्सप्लेन भी करें फॉर एग्जाम्पल जो पहला नाम आपकी बुक पे लिखा हुआ है, that is called as ecology. अब इकोलॉजी क्या है ये किसी भी पॉइंट point पर पॉइंट से बराध है हमारी जमीन की सतह पे जमीन के अंदर या जमीन से ऊपर किसी भी पॉइंट पर दो किस्म के लोगों का आपस में इंटरेक्शन है नंबर वन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ मिसाल के तौर पे मेरा रिलेशन मेरे भाई के साथ मेरे फादर के साथ मेरी मदर के साथ मेरे किसी दोस्त के साथ या अगर मैं अपने घर की बात कर रहा हूं तो मुमकिन है मेरे घर में कोई पैट एनिमल हो मेरा रिलेशन उसके साथ मैं इस दुनिया में रहते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट पास आ नॉर्मल लाइफ विदाउट सम वेरी ब्यूटिफुल क्लोथ राइट आई कैन नॉट पास अ वेरी गुड लाइफ विदाउट को जैसे हम लोग जूता बने वाला कहते राइट right? मुझे मुझे मेरी इंटरडिपेंडेंस है दूसरे प्रोफेशन के ऊपर मेरी शख्सियत में उनका भी एक रोल है आई कैनॉट है बाबर उसकी भी मेरी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंस लेकिन जरा बातों गौर से सुनिए क्या मेरे लिए सिर्फ लिविंग थिंग्स ही इंपॉर्टेंट है तो अगेन आंसर इज नो शायद आपको ये बात बुरी लग रही हो लेकिन इसको जरा सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में आप देखिएगा इल्म इल्मी देखिएगा कि अगर मेरा कोई बहुत करीबी जानने वाला मेरे से बिछड़ जाए या रूट जाए तो उसके मेरे पास से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जरा आप एक मिनट रुक कर सोचें अगर मैं एक से दो मिनट के लिए आप लोगों के ऑक्सीजन सप्लाई को काट दूं, तो शायद आपकी जिंदगी की डोर भी कट जाएगी तो लिविंग थिंग्स से ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट है फॉर माई एग्जिस्टेंस एंड दैट इज नॉन लिविंग थिंग राइट आई कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फॉर एग्जाम्पल वन एंड हाफ मिनट विदाउट ऑक्सीजन I cannot make new cells without nitrogen, I cannot make new proteins without nitrogen. So hum is ecology ko kisi choti se triangle se Look at this it is living organism number 1 and it is living organism number 2 right बोथ ऑफ देम आर इंटरक्टिंग विद ईच अदर बट साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विथ नॉन लिविंग थिंग्स एंड आई थिंक मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन अब जाहिर है मेरे अपने मदर फादर के हाथ को तो हो सकता है या होता है लेकिन उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी बच्चे वहीं पर रहते लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं समथिंग लाइक ऑक्सीजन समथिंग लाइक सी ओ टू समथिंग लाइक एन टू समथिंग लाइक वाटर राइट तो ये थी मेरे पास वर्ट आप लोगों की uh, पहली ब्रांच ड्यू टू तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और सेकेंड लेक्चर में हम आप लोगों से इसकी फर्दर ब्रांचेस के बारे में मजीद डिटेल से बात करेंगे टिल दैट टाइम Take very good care of yourself and your great parents. Bye bye.